2 सितंबर को इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद ये मिशन तैयार हुआ। आदित्य L1 को बनाने में इसरो के कई साइंटिस्ट लगे थे। साइंटिस्ट के साथ साथ कई इंजीनियर्स भी थे। इन्हीं में से एक इंजीनियर है मध्य प्रदेश की बहू प्रिया कृष्णकांत शर्मा, जिनके इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य L1 का सबसे अहम पार्ट को तैयार करने में इंजीनियर प्रिया शर्मा का बड़ा हाथ है। इंजीनियर प्रिया शर्मा ने आदित्य L1 का हार्ट कहे जाने वाले पिलॉट विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी कि VELC पिलॉट को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन है इंजीनियर प्रिया कृष्णकांत शर्मा, जिन्होंने आदित्य L1 के दिल को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद शनिवार यानी 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है जो सूरज के पास जाकर उससे निकलने वाली रोशनी का अध्ययन करेगा, साथ ही सूरज पर हो रही एक्टिविटीज पर भी अपनी नजर रखेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ये दूरी करीब 4 महीने में तय करेगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 में 7 पिलॉट लगाए गए हैं। इनमें एक सबसे अहम विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी कि VELC पिलॉट है, जिसे मिशन का हार्ट यानी कि दिल कहा गया है। VELC पिलॉट सूरज की HD फोटोज लेगा, साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी और पेलोरोमेट्री भी करेगा। इसी VELC को बनाने में MP के बड़वाह की बहू प्रिया कृष्णकांत शर्मा की एक अहम भूमिका है। प्रिया वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। ये पिलॉट इसी इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने इस पिलॉट में ऑप्टिकल डिजाइन एनालिसिस और सिमुलेशन में अपना योगदान दिया है। इसके साथ ही जब इस पिलॉट को यान के साथ इंटीग्रेट किया गया तो अंतिम ऑप्टिकल टेस्ट के दौरान भी वे इसरो में मौजूद रहीं। इस मिशन के लॉन्च के पहले ऑप्टिकल टेस्ट में प्रिया की प्लानिंग और सिमुलेशन के रिजल्ट से पूरी टीम को निष्कर्ष निकालने में मदद मिली थी। आदित्य L1 के L1 पॉइंट पर स्थापित होने के बाद इस VELC पिलॉट से जो डेटा आएगा उसे एनालिसिस करने वाली टीम में भी प्रिया शामिल है। प्रिया ने खरगोन के मंडलेश्वर के एक प्राइवेट कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की थी। इसके बाद उन्होंने SGSITS इंदौर में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में MTech किया है। प्रिया ने IIT इंदौर में भी करीब 6 महीने तक काम किया था। इसके बाद उनका सिलेक्शन DRDO में हो गया। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2022 तक वे DRDO में रहकर रक्षा से संबंधित विभिन्न अनुसंधानों से जुड़ी रहीं। DRDO में उनके रिसर्च के बेसिस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर में उनका सिलेक्शन हुआ था। यहीं पर प्रिया पिलॉट की फाइनल टेस्टिंग के दौरान टीम का हिस्सा बनी रहीं। प्रिया शर्मा का मायका खरगोन जिले के महेश्वर में है। प्रिया के पिता श्याम गौशिंदे और मां गायत्री गौशिंदे दोनों टीचर हैं। उनके भाई गौरव कर्मचारी हैं। प्रिया बैंगलोर में अपने पति कृष्णकांत शर्मा के साथ रह रही हैं। कृष्णकांत भी ऑटोमेशन इंजीनियर है और बैंगलोर में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। इंजीनियर प्रिया शर्मा का कहना है कि वर्तमान में मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में VELC प्रोजेक्ट में काम कर रही हूं। जैसे ही आदित्य L1 सैटेलाइट L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, 24 घंटे 7 दिन डेटा आना शुरू होगा। उस डेटा का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसके लिए एक टीम बनाई गई है, उस टीम का मैं हिस्सा हूँ। पहले मैंने ऑप्टिक्स में अहम योगदान दिया। मैंने VELC डिज़ाइन का एनालिसिस किया है। जैसे ही VELC इसरो को हैंडओवर किया गया, उसके बाद भी इसरो में कुछ टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।